नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यह SMPS है और यह SMPS अक्सर CCTV कैमरों में यूज की जाती है कैमरों को चलाने के लिए, और यह SMPS खराब है। आज हम इसको ठीक करके देखेंगे कि इसमें क्या खराब निकलता है, क्या नहीं खराब निकलता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के पर आप उंगली टच कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों, और इस SMPS को रिपेयर करते हैं। अब इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके यह दो पेज खोल देंगे जहां से ये बंद होती है। एक पेज यह खोलेंगे साथियों, और ये इस तरह से थोड़ा स्लाइड करके कवर बाहर हो जाता है इसका। और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं साथियों, सबसे पहले कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यह हमने ले लिया पावर कोर्ड और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आप देख सकते हैं साथियों, इसमें लाइट यहाँ ऑन नहीं हो रही है, LED ब्लिंक नहीं, ग्लो नहीं कर रही है। और अब हम इसे खोलकर चेक करते हैं। तो इसको साथियों थोड़ा सावधानी से खोलना है, आप इसको लापरवाही से ना खोले बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ये कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर जो होता है SMPS में, चार्ज हो सकता है कभी भी। तो इसको थोड़ा सावधानी से खोलें। यहाँ पेच लगा हुआ है, स्टिकर को थोड़ा आप ऐसे हटाएंगे इस तरह से, तो ये पेच खोल सकते हैं आसानी से। और एक पेच इसका यह भी खोलना होगा साथियों। तो इस तरह से एक पेच इसमें यहां लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको भी खोल दें। तो अब ये पेच तो खुल चुके हैं साथियों। आप ध्यान रखें कि यह जो इसमें बड़ा कैपेसिटर है, यह इसका चार्ज हो सकता है, तो इसलिए कभी भी इसको निकालते समय इसके नीचे हाथ ना लगाएं। तो यह हो सकता है कि चार्ज हो, डिस्चार्ज ना हुआ हो। खराब SMPS में पॉसिबल है कि ये चार्ज होता है 90%। तो उसके बाद हम इसके DC वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को हमने DC पर लगा लिया है, 600 वोल्ट की रेंज पर, और हम फिर इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे ही सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ। तो यहाँ अभी है या नहीं, तो आप देख सकते हैं साथियों, 100 वोल्ट यहाँ है, 98, 97, 95। तो अब हम इसको एक बार ही पावर ऑन करके देखते हैं, इसको पावर देते हैं एक बारी की, वोल्टेज ठीक आती है कि नहीं। तो ये 330 वोल्ट आप देख सकते हैं मीटर में आ रही है। और अब हम इसको इसका प्लग निकाल देंगे, इसको बंद कर देंगे। अब हम फिर से देखेंगे यहाँ आती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर साथियों चार्ज है, तो जल्दी से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, हमने पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने लैपटॉप के अडैप्टर को ठीक करके दिखाया था। तो वह लैपटॉप का अडैप्टर, उसमें हमने आपको बताया था कि इसके दो पोर्शन होते हैं। तो इसके दो पोर्शन में क्या होता है, आप दोबारा एक बारी देख लें कि यह इसका ट्रांसफार्मर के इस तरफ का एरिया हाई वोल्टेज के लिए होता है, और ट्रांसफार्मर के इस तरफ का एरिया लो वोल्टेज के लिए होता है। इनका आपस में कनेक्शन नहीं होता है, ट्रांसफार्मर से होता है, तो ट्रांसफार्मर तो आइसोलेटेड होता है, और साथ ही में ये कपलर आईसी, यह कपलर आईसी होती है ऑप्टो कपलर, तो इससे जो ये दोनों को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के एरिए को अलग अलग कर देते हैं। दोनों ही चीज़ सेपरेशन करती है, ट्रांसफार्मर सेपरेशन भी करता है और
और अगर वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है तो उसी के लिए एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो कोई भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है साथियों, वोल्टेज घटाने या बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर जैसा आप जानते हैं कि वोल्टेज को कम भी कर सकता है ज़्यादा भी, लेकिन यह बिल्कुल इस तरफ का हाई वोल्टेज की वाइंडिंग अलग होती है और लो वोल्टेज की वाइंडिंग अलग होती है, तो इस तरह से सेपरेशन हो जाता है बीच में से साथियों। अब हम देखेंगे इसमें क्या खराब है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, हमने उसी मेथड से इसको चेक करना है कि इस तरफ आउटपुट हमें मिल नहीं रही है, 12 वोल्ट 13 वोल्ट जो भी मिलती है, तो इस तरफ हमें आउटपुट मिल नहीं रही है बिल्कुल भी, और कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ तो हमें 0 वोल्ट मिल रही है, और अगर मैं प्लग आउट कर देता हूँ इसको, और उसके बाद मैं यहाँ कैपेसिटर पे, मैंने पहले बताया था कैपेसिटर चार्ज रह जाते हैं इसलिए कभी इनको यहाँ से नीचे से ना छूएं, तो आप देख सकते हैं डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि हमारी खराबी इस वाले पोर्शन में है, यानी हाई वोल्टेज वाले पोर्शन में हमारी खराबी है, कहीं भी हो सकती है हाई वोल्टेज वाले पोर्शन में। तो इसको स्टेप बाई स्टेप चार्ज करेंगे और चेक करेंगे सॉरी, और इसको हम पहले देख लेते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों अभी तक यह कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो इसको डिस्चार्ज होने देते हैं, हो रहा है थोड़ा लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जल्दी नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज तो हो रहा है लेकिन क्या है कि एकदम जल्दी से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। अभी भी इसमें 100 वोल्ट करीब, 110, 100, और अभी भी इसमें 100 बची हुई है। अभी फिलहाल हम इसको शॉर्ट करके ही डिस्चार्ज कर देते हैं, पेचकस हम लेंगे और यहाँ हमने शॉर्ट किया और स्पार्क हुआ तो ये डिस्चार्ज हो गया, तो ये आप देख सकते हैं ये डिस्चार्ज हो गया। अब इसमें क्या चेक करना है वहाँ से शुरू करते हैं साथियों। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ एक ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांसफार्मर है मेनली, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर के करेंट यहाँ जाएंगे अपना, यहाँ से यहाँ इस मॉस्फेट के ऊपर जाएंगे और उसके बाद एक एक करेंट इसका जाएगा सीधा ट्रांसफार्मर में। तो अगर यह वाला ट्रैक ओपन नहीं है, माने यह वाली रेजिस्टेंस ओपन नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब है ड्राइव नहीं आ रही है। तो इसको चेक करते हैं एक बारी साथियों, इसको कंटिन्यूटी मोड पर लगाते हैं। तो आपने देखा साथियों कि इसका बड़ा वाला फिल्टर कैपेसिटर चार्ज था, तो यहां देख सकते हैं आप नेगेटिव, तो ये एन चैनल मॉस्फेट ही होते हैं, तो यहां जो है जो नेगेटिव है इसका यहां जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं साथियों बीप आ रही है तो नेगेटिव जा रहा है और ट्रांसफार्मर के ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, तो यह सर्किट ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि यह रेजिस्टेंस हमारी ओपन नहीं है। तो उसके बाद हम यह देखेंगे साथियों कि इसमें ड्राइव आ रही है या नहीं। आईसी को एक बारी ध्यान से जरूर देख लें थोड़ा पास से कि यह आईसी कहीं से फटी या क्रैक तो नहीं नजर आ रही है, तो यह आप जरूर देख लें। तो इसके बाद साथियों आप देखें कि यहाँ इसके ड्राइव बंद करने वाली क्या चीज हो सकती है। तो इसके ड्राइव या तो यह आईसी खराब है तो ड्राइव बंद हो जाएगी, और या फिर इसको बंद करता है, तो आप देख लें यहाँ तो इसके ड्राइव बंद करता है ये ऑक्टोकपलर। ऑक्टोकपलर को ही हम सबसे पहले चेक करेंगे, तो ऑक्टोकपलर को हम चेक कर लेते हैं साथियों, ये शॉर्ट वगैरह तो नहीं है इसकी पिने, या हम ऑक्टोकपलर को चेंज ही करके देख लेते हैं साथियों, क्योंकि ये सर्किट में लगी होती है तो ठीक से इसको चेक नहीं कर पाते हैं, तो ऑक्टोकपलर चेंज करके फिर हम देखते हैं। तो ये हमने आयरन लिया साथियों, ऑक्टोकपलर को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा हमने देख आप देख सकते हैं कि हमने इस ऑप्टोकपलर को बाहर निकाल लिया, इसको यहाँ रख देते हैं और इसमें नया लगा देते हैं ऑप्टोकपलर। तो नया लगाने के लिए हमें नया ढूंढना होगा, तो ये साथियों हमारे पास नया ऑप्टोकपलर है आप देख सकते हैं, तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं।
तो यहाँ साथियों हम इसको एक नंबर पिन इसकी प्राइमरी की तरफ रख सॉरी सेकेंडरी की तरफ रखनी है, आउटपुट की तरफ, लो वोल्टेज की तरफ। तो इसको लो वोल्टेज की तरफ रख करके हम यहाँ लगा देते हैं इस तरह से। थोड़ी एक छेद बंद है इसका, तो थोड़ी आयरन की मदद ले लेते हैं, दो ही पिन है तो आराम से लग जाएंगी। तो उसके बाद साथियों जैसा पहले आपको बताया था, इसके ऊपर थोड़ा पेस्ट लगा दें, सोल्डरिंग को थोड़ा अच्छी तरीके से हो जाए ताकि थोड़े अच्छे लग जाएँ, ड्राई ना रहे, बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए यहाँ आप ये पेस्ट जरूर लगाएं। पेस्ट लगाने के बाद आपको शोल्डर वायर ले लेनी है और इसको उल्टा रखना है और इसके ऊपर इस तरह से आके लगा देने हैं। फिर उसके बाद इसको थोड़ा साफ कर दें, साफ भी करना ठीक रहता है, कर सकते हैं। तो अब हमने साथियों ये ऑप्टो कपलर लगा दी, आप देख सकते हैं। तो अब इसको एक बारी फिर चला के देखते हैं और इसकी वोल्टेज आती है या नहीं, डीसी पे लगा लेते हैं 20 वोल्ट पर। अब इसको ऑन कर देखते हैं साथियों कि ऑन होती है या नहीं होती। तो इसको लगा देता हूँ मैं पावर में। ऑन करने से पहले साथियों नीचे ज़रूर देख लें कि नीचे कोई सामान ना पड़ा हो, तो फिर आप इसको ऑन करें। तो आप देखें साथियों ऑन करते हैं, तो आपने देखा साथियों कि यह ऑन हो चुकी है। यहाँ देखते हैं यह ऑन हो चुकी है, यहाँ यह एलईडी ग्लो हो गई है। इसके वोल्टेज आउटपुट चेक कर लेते हैं हम जरा इसको खोल करके, 13.55 वोल्ट है। तो ये थोड़े ज़्यादा हैं तो इसको 12 कर देंगे, 12% होती है ये। तो ये 12 वोल्ट हो चुके हैं साथियों और आप देख सकते हैं यह रिपेयर हो चुकी है। तो इसको रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा आसान था, आपने देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत।